केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मदर ऑफ थाउजेंड के जो छोटे छोटे बेबी प्लांट पत्तियों पे निकल के आते हैं, आज मैं आपको उनको कैसे ग्रो करते हैं, उनसे कैसे हम नए प्लांट तैयार कर सकते हो गर्मियों में, उसी के बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि ये छोटे छोटे बेबी प्लांट रहते हैं, देखिए छूने से बहुत ही नाजुक रहते हैं, थोड़े से हम छूते हैं तो गिर जाते हैं। तो इसको अच्छे से हम कैसे प्रोपोगेट कर सके उसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए एक वेराइटी मेरे पास ये भी है, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों में इसमें और इसमें बेबी प्लांट बने हुए हैं, तो आज मैं उनको ग्रो करूँगा। ये देखिए इस बहुत ही नाजुक रहते हैं, कहीं भी आपको ये प्लांट दिखे तो बस हल्के से ऐसे करके बस ऐसे कर लीजिए। देखिए ढेर सारे प्लांट आ जाएंगे आपके पास। ये देखिए तो ये बहुत ही नाजुक रहते हैं, इसमें रूट नहीं होती है, तो इनको ग्रो करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसको किस तरह करना है, कैसी सॉइल लेनी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा और रिज़ल्ट के साथ दिखाऊंगा कि कैसा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो देखिए इसके लिए मैंने जो सॉइल मिक्स है, जो मेरे पहले से अडेन एक्रिलिक सीडलिंग की थी, वो वाला सॉइल मिक्स है, उसी में मैं ग्रो करूंगा। देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं पहले से। तो इसमें क्या था, कोकोपीट था और रिवर सैंड। तो आपको कोकोपीट और रिवर सैंड का सॉइल मिक्स लेना है, और जितने भी बेबी प्लांट आप ग्रो करना चाहो ये छोटे छोटे, इसको ऐसे ही रख देना है। देखिए ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा हाथ से बस प्रेस करके इसको सीधा कर देना है। ये सब है, इनको ऐसे सीधा करके इस तरह से रखना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ये सॉइल मिक्स बनाओ तो इसमें पहले पानी देके इसको गीला कर दो, एकदम सूखा रहे उसमें मत डालो, थोड़ा पानी देके गीला कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसमें मॉइस्चर हो जाएगा। और इस तरह से सबको सीधा करना है, और आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो उसी से पानी देना है। हर रोज सुबह शाम इसमें स्प्रे करना है, पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, बस स्प्रे बॉटल से इसमें स्प्रे करना है। देखिए इस तरह से लगभग 5-6 दिन में इसमें रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, और नया प्लांट बनने में एक आध महीना लग जाता है। तो मैं आपको ये देखिए ये पहले के मैंने लगाए हुए हैं ये, तो आज मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इसका रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है मुझे। ये देखिए ये नया प्लांट तैयार हो गया हमारा, ये देखिए। तो इस तरह से आप ढेरों प्लांट बना सकते हो, बस इसको शेड वाली जगह पे रखना है जहाँ इनको धूप ना लगे, और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखना है। कोकोपीट और रिवर सैंड दोनों लेनी है, गार्डन सॉइल इसमें नहीं मिलानी है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को लगा सकते हो। तो आप एक प्लांट से हज़ार प्लांट बना सकते हो इस प्लांट से, इसीलिए इसको हज़ारों की माँ, मदर ऑफ थाउजेंड कहा जाता है। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।